ले आए फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। ले आए फिर कहाँ पर। मुझे लगता है कि वो एक पागल सा एक्स होता है ना, मुझे लगता है कि इंडिया की वो सिचुएशन है। आई हैव मूव्ड ऑन बिग टाइम, इतने साल हो गए हैं, मैं इंडिया को कब की छोड़ के आ गई हूँ, लेकिन अभी तक इंडिया मुझे नहीं छोड़ सका है। एनी थिंग विच ब्रिंग्स हेट टू मी आई विल नॉट डू इट। इंडियन मीडिया की मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, और वो उस पर आप अभी अभिनंदन की बात ले लीजिए, मतलब ही वॉज़ अ फेलियर, ही वॉज़ अ ह्यूमिलिएशन, और उसको वो हीरो बन के दिखा रहे हैं। लेकिन अगर अभिनंदन के ऊपर कोई कॉमेडी फिल्म बनेगी और मुझे ऑफर आएगी तो आई वुड लव टू डू इट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त ज़िंदगी की बहुत ही बेहतरीन स्पेस में हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दो खूबसूरत बच्चे दिए हैं, मेरे वालिदैन के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इस वक्त मैं अपने दो बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। आई डाइवोर्स्ड माई एक्स हस्बैंड इन 2016, और हमारी सेपरेशन 2015 से हो गई थी। एक्चुअली जब हमारी डाइवोर्स फाइनलाइज हुई थी 2016 में, तो मौलाना तारिक जमील साहब, आपको याद होगा कि टेलीविज़न के एक शो में आए थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप असद को एक और चांस दें, और यही वजह है कि मैंने उन पर ट्रस्ट करके अपने बच्चे उनको दिए। सो व्हेन ही वेंट टू दुबई और मैं अपने बच्चे वापस लेने गई, तो उन्होंने मुझे बच्चे देने से इनकार कर दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे से दोबारा शादी करें और आप अपने बच्चे ले लें। तो तब मुझे लगा कि मैंने जो इनिशियली डिसाइड किया था इनके साथ ना रहने का, वो बिल्कुल ठीक था, बिकॉज़ अगैन ही वॉज ब्लैकमेलिंग मी। बच्चों की जब कस्टडी मुझे मिल गई और वो घर से जाने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि वो जाते जाते मेरे बच्चों के पासपोर्ट्स भी चोरी करके ले गए। सो द रीज़न आई कांट ब्रिंग माई किड्स हियर, सो नाओ इंशाल्लाह ताला ये पासपोर्ट्स का मैटर बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, एंड थ्रू द कोर्ट आई गेट द पासपोर्ट्स बैक, और इंशाल्लाह मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे। मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा था जब मैं ज़िंदगी के बहुत के शुरू के वक्त की बात करूँ, आई वॉज एक्सट्रीमली रिलीजियस। मैं 17 साल की उम्र तक आई वॉज एक्सट्रीमली रिलीजियस, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आई वॉज़ नॉट वेरी रिलीजियस, एक वक्त ऐसा आया कि बहुत सारी चीज़ें इतनी मेरे जहन में इकट्ठी हो गई कि आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि अगैन आई एम बैक ऑन द ट्रैक, एंड अगर आप मुझसे पूछें कि ऑन अ लेवल ऑफ 1 to 10 मैं कितनी रिलीजियस हूँ, तो आई थिंक मैं अपने आप को 9 नंबर दूँगी। मैं ज़ाती कैपेसिटी में, ज़ाती सतह पर मैं I'm extremely religious, and I really don't feel the need to talk about, you know, my personal and religious beliefs on social media. अब जो है मैं अपना एक एल्बम कर रही हूँ, पहला गाना हम कश्मीर के ऊपर बना रहे हैं, कुछ ट्रैक्स पाकिस्तान को डेडिकेट करूँगी और कुछ ट्रैक्स मैं अपनी सिंगिंग एबिलिटीज़ को भी डेडिकेट करूँगी। हाय हाय वे जदू होली जई लन मेरा ना मैं था मर जा निया, हाय मैं था मर जा निया।